ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अबू धाबी की शेख जायद के 3 साल बाद ओमान की मस्जिद में पहुंचे पीएम मोदी, 200 साल पुराने मंदिर भी गए। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप हमले में बिहार का जवान मोहम्मद मुजाहिद शहीद, लश्करे तैयबा ने ली जिम्मेदारी। शोपिया फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर लगाई रोक। सीलिंग मामले को लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलेंगे व्यापारी। राजस्थान में किसानों के लिए कर्ज माफी, एमपी में शिवराज बोले भीख की जरूरत नहीं। सीएम वसुंधरा राजे के बजट पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा पिछले 4 सालों की बजट घोषणाएं ही पूरी नहीं हुई तो ये कैसे होगी। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की हाल ही में रिपोर्ट जारी, दुनिया के 15 सबसे अमीर शहरों में से एक है मुंबई। इलाहाबाद में LLB छात्र की हत्या के विरोध में उग्र छात्रों ने फूंकी बस। भारत के तैराक रोहन मोरे ओशियन 7 चैलेंज पूरा करने वाले दुनिया के सबसे युवा स्विमर बने। महाभारत में युधिष्ठिर बनकर मशहूर हुए गजेंद्र चौहान अब राक्षस बनने को तैयार, अपने नए किरदार के बारे में गजेंद्र ने कहा, 100 धारावाहिकों में काम कर चुका हूं, अब असुर का किरदार निभाऊंगा।